गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज के। इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, आपको लेकर इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोचना चाहते हैं, कौन सा नया बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में जहां पे आपके पार्टनर ने आपको काफी समय से डिटैचमेंट दिया हुआ, दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है और आपके पार्टनर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या आपको अभी इस इंसान का वेट करना चाहिए या अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। और आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ सोचते भी हैं या वो अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, सभी सवालों के जवाब आज रीडिंग में दिए जाएंगे। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 111111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं, कोई किसी भी जेंडर का इंसान इसको देख सकता है, मेल हो फीमेल हो चाहे सेम जेंडर में हो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उतने को क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करता हूं, अपने पार्टनर को 3 बार मन में ध्यान कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके मन में है, जो भी क्वेश्चन आप डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हमारे पास निकला है। पहला ही कार्ड हमारे पास रिग्रेट का क्यों निकला है, कहने की मुझे ऐसा, अगर रिग्रेट का निकला पहला ही कार्ड निकला है, मुझे कहने की ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए, शुरुआत में तो इन्होंने सोचा था कि आपसे दूर होकर ये बहुत इजीली लाइफ जी पाएंगे, बहुत खुश होकर लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि इनको ना आज जब आपके साथ रह रहे थे तो इनको जिंदगी शुरुआत में बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन बाद में अपने आपको बहुत बंदा बंदा फील करते थे कि मैं कहां पर आकर फंस गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आज की एनर्जीज देखूं, आज की मॉर्निंग एनर्जीज देखी जाए, तो ये इंसान बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। इसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी पहले वाली लाइफ ही अच्छी थी, पहले भरा थोड़ा फसावट फील करते थे, लेकिन उनको ये एहसास तो कोई उनके साथ है, क्योंकि आप इनके साथ हर एक दुख सुख में इनके साथ खड़े रहते थे, आपने कभी इस इंसान को नीचे गिरने नहीं दिया है लाइफ में, हमेशा से आपने इसका एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहा, आपने इस इंसान को फाइनेंशियली इमोशनली फिजिकली मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करा है, लेकिन इसने आपकी उस समय बेकदरी करी है, आपको अवॉइड किया है, आपको इग्नोर करा है, आपको इसने इग्नोर करने की कोशिश बहुत ज्यादा करी है, आपको अवॉइड करने की कोशिश बहुत ज्यादा करी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान अपने इस कोशिश में हमेशा नाकामयाब होता हुआ दिखाई दिया है, अपने आप को बिल्कुल ऐसा कर लिया इस समय, इसने बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना आइसोलेट करना, अपने आपको बिल्कुल बंद कर लेना। लेकिन कुछ बातें इसके मन में आज भी आपको लेकर ऐसी आती हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट रहे हों, जो कि आपके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकले हों या इसके मुंह से कुछ शब्द ऐसे निकले हों जो कि उस समय निकलने जरूरी नहीं थे, और उसी शब्दों ने कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बिगाड़ा है। लेकिन आज की करंट एनर्जी देखूं तो कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, क्योंकि आपने भी अपने आप को एक सेपरेट मोड में कर लिया, अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, आपने अपना एक स्टबर नेचर कर लिया, क्योंकि आप इस इंसान के लिए कई बातें सह चुके हो, आपने इस रिलेशनशिप में सहा बहुत ज्यादा है, इस इंसान ने आपको परेशान बहुत करा है, आपने जब तक जितना टाइम आपका रिलेशनशिप में रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो इसे, जो कि इसके मन में एक डर डाल रहा है, फियर डाल रहा है। तो इस समय देखा जाए तो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं आपको छोड़कर, बहुत ज्यादा पछताना पछतावा इन्हें हो रहा है कि इन्होंने उस मोमेंट को कैसे जाने दिया जब ये आपके साथ थे। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड निकल के आता है, सरेंडर। ओके, कहने के जानते हैं इन्होंने सारी चीजें ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दी हैं आजकल, कि ये कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं वो एफर्ट्स इनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है। कहने का ये इंसान आपको लेके बहुत ज्यादा इस समय मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, याद बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आपके वॉइस नोट सुने जाते हैं, आपकी फोटोज को देखा जाता है, लेकिन कहने का ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आपने इसको हर एक सोशल मीडिया से हर जगह से ब्लॉक कर दिया, इसके सारे रास्ते बंद कर दिए आपने कि किसी भी तरह से आपसे अप्रोच कर पाए, किसी कहीं लोगों से आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन वहां से भी उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान सरेंडर करता हुआ दिखाई दे रहा है अपने इस सिचुएशन के आगे। लेकिन बात करूं उनके मन की, तो मन बहुत ज्यादा इस समय दुखी है, तो कार्ड भी हार्ट ब्रेक का निकला है, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, बहुत पेन में है, जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा हर तरीके से इंसान टूट जाना, फाइनेंशियली इमोशनली और मेंटली हर तरीके से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है इंसान ये। इसको अगर देखा जाए, अगर इसके इनर थॉट्स को देखा जाए ना, इसको इस समय आपकी सख्त जरूरत है, क्योंकि इस जैसे ऐसे मोमेंट में जैसे ना हमेशा आप इसका साथ दिया करते थे, हमेशा इसका एक सपोर्ट सिस्टम बनके खड़ा रहा करते थे, लेकिन आज की डेट में ये इंसान अकेला हुआ पड़ा है, इसके घर वाले, इसके कोलीग्स, इसके फ्रेंड्स सब लोग इसके साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी इसे फील हो रही है, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी ये इंसान अगर अकेलापन फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे आपके लिए मन में बहुत ज्यादा प्यार का सैलाब आना, एकदम से प्यार मन में उमड़ना बहुत ज्यादा, वो चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है।
ये इंसान बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को मारना, अपनी ही बातों पर रो पड़ना कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, आपको लेकर बहुत से, जिसे कहते हैं ना, आप तो जैसे अपने लाइफ में मूव ऑन करते जा रहे हो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये इंसान अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे पा रहा है, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी कहने का अनस्टेबल दिखाई दे रहा है और अपने आप को टूटता हुआ कहने का ही फील कर रहा है। ये नेक्स्ट कार्ड निकला है सोशल मीडिया। हर एक सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये आपको ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, भले इसने भले आपने इसको ब्लॉक करके रखा हो, लेकिन हो सकता है किसी फेक आईडी से आपको कहीं ना कहीं चीजें देखने की कोशिश कर रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आपने सारी अपनी प्रोफाइल्स लॉक कर रखी हो, तो वो रास्ते भी इसलिए कहीं ना कहीं सामने आ रहे, बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपसे ऐसा कम्युनिकेशन हो जाए। कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं और वापस से जानते हैं ये बंदा आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहता है, क्योंकि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि इसने क्या खो दिया है आपको खोकर, क्योंकि आज की डेट में ये इंसान हर तरीके से टूटा पड़ा है। कहीं आप जानते हैं जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, इसका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, और ये आपको कहने के आज देखा जाए, इसके इनर थॉट्स देखे जाए तो आपको अपना लकी चार्म मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसको अब जाके एहसास हो रहा है जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, ये इंसान फाइनेंशियली भी इमोशनल भी हर तरीके से स्टेबल था, लेकिन जब से आप गए हो उसके फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई, या हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई दे रही है, हर तरीके से टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, तो ये वापस से आपके पास आकर भले अपनी गलती रियलाइज करे, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है, वापस से आपके पास आना चाहता है, आपको हग करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपको टच चाहता है, आपका फिर से प्यार कहने के सीख करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर कहते हैं किसी के प्यार की जरूरत होना है इस मोमेंट पे, उस प्यार की कहने के तलाश करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी आप ही के अंदर। आपको टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश करता है इसने, हो सकता है बहुत सारे टेक्स्ट मैसेज आपको करे भी हो, लेकिन इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, आपके पास सेंड ही नहीं हो पा रही, क्योंकि हो सकता है आपने इसको ब्लॉक करके रखा है, या हो सकता है कि ये मैसेज करे जा रहा है और आप उसको मैसेज सीन करके अनसीन कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं रिवेंज ले रहे हैं इससे, तो जिससे कि इसके अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, एक वो वाला सैलाब आना, कि वो वाला एक सब्र का बांध टूटना, वो चीज इसके कहने के होते दिखाई दे रही है। इसके मन में गुस्सा भी है और अपने ऊपर एक होता है ना, अपने आप को धुतकारना कि मैंने ऐसा क्यों करा, तो आज की डेट में अगर वो ऐसा कर रही तो वो उसका राइट है, ये कहने के जानते हैं। आपको लेके बहुत ज्यादा इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे एक चांस दे, एक सेकंड चांस चाहते हैं, कि एक सेकंड चांस मुझे मिल जाए ताकि मैं अपना सब कुछ आपके साथ सही कर सकें। तो कार्ड तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो, मन में फियर की एनर्जी भी आई कि उसको ऐसा रहता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, आपने कहीं अपनी लाइफ में किसी और को इसकी जगह तो नहीं दे दी है, तो इसके मन में बहुत डर है इस समय, जो डर का इस समय मैं आपको आपके मन में रहा करता था ना कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के ना चले जाएं, वही डर से कहने के निकलता हुआ इंसान दिखाई दे रहा है, वापस से आपको बस आना चाहता है, ईश्वर से हर एक मंदिर मस्जिद में जाके आपके लिए प्रार्थना करता है कि सिर्फ एक चांस मिल जाए, कि सिर्फ एक चांस मिल जाए कि अपने आपको ये प्रूव कर पाए। सो नेक्स्ट कार्ड निकला है एंजाइटी। बहुत एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं एक डिप्रेशन तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसके पास कोई जरिया नहीं मिल पा रहा आपसे कॉन्टेक्ट करने का, हर एक फ्रेंड्स हर एक कोलीग से बात करते हैं कि किसी तरह से आपके बारे में कुछ पता लगे, क्योंकि आपने अपना बिल्कुल आइसोलेट कर लिया कि मैं किसी को कुछ बताऊंगी नहीं कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप अपने स्टेटस अपने डीपीज में बिल्कुल ब्लैंक रखते हैं, इसको कुछ नहीं पता लग पा रहा आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारे कॉन्टेक्ट इसके पास जीरो हो चुके हैं। लेकिन इस समय करंट एनर्जी देखी जाए तो बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, रात रात भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, जब भी इसकी आंख खुलती है हमेशा से ही आपको, इसने आज की डेट में देखा जाए हमेशा आपको हमेशा अपनी दुआ में मांगा है। ये इंसान फिर से आपके पास आना चाहता है और अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म होकर आपके सामने लाना चाहता है, क्योंकि इसके मन में ना आपको लेके फिर से वही मैग्नेटिक अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो अट्रैक्शन कभी इसमें स्टार्टिंग में आपको दिखाया था इसने। तो कंक्लूजन क्या है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, आपको खोकर बहुत ज्यादा दुख इनके अंदर आ रहा है कि वापस से दोबारा सब कुछ एक चांस ऐसा मिल जाए ताकि इंसान वापस रिश्ता सही कर पाए, रिश्ते को नया नाम दे पाए, आपको जो आप प्यार, जो एक केयर, जो एक अफेक्शन आप डिजर्व करते हो, वो सारी चीज आपको दोबारा से देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, अगर ये इंसान वापस आपके पास आता है तो बहुत ज्यादा सुधार आप इसके अंदर देखेंगे। कहीं ना कहीं ये इंसान ना अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे ना चेंजेस इसके अंदर, वो चेंजेस के अंदर आप देखोगे अभी दोबारा वापस आपके पास आता है और अनएक्सपेक्टेडली आपके पास आएगा। देखना ये आपको उस समय अपने ख्वाबों में सोचा नहीं होगा आपने कि बंदा कैसे आपके सामने आ गया, लेकिन सडनली आपके सामने आएगा, भले ही फिजिकली सामने आए, चाहे किसी के कॉल किसी के थ्रू कॉल कराकर आपके सामने आए,
लेकिन ये वापस आपके पास जरूर आएगा। आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन इसको एक चांस देना बनता है, क्योंकि इसके अंदर वो एक रिग्रेट जो दिखाई दे रहा है ना, जो एक आप इसके अंदर एक चाहते थे इसको अपनी गलती रियलाइज, वो रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। यदि आपको रीडिंग ये रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज क्लेम करना, और अगर रीडिंग थोड़ी बहुत भी आपको सही लग रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करना है इसे, आपको इसे लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब या शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन क्रिएट करता है। तो प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।